इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, कैसा लग रहा है? लग गए रोहित शर्मा को डर लग रहा है। अब्दुल रहमान ने प्रेडिक्ट किया आज इंडिया जीतेगा। यार तुम्हारे पैसे लगे हैं। या अल्लाह बच जाए बाबर, बच गए। शुक्र है मोटे ना। इंडिया आते साथ ही हमें कुट रहा है और ये हमारे प्लेयर्स की हालत हो गई है। ठोका ठोका इंडिया ने ढूंढे, ठोका ठोका इंडिया ने बहुत ठोका है। जी तो फ्रेंड्स, आज पाकिस्तान इंडिया काफ़ी बड़ा मुकाबला, उसके लिए तैयारी है। उठ गया हूँ मैं सुबह और सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा वार्म अप हो जाए थोड़ा सा, फिर देखते हैं। होप सो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ऑल दो इंडिया की टीम थोड़ी सी टफ है लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच वो उसकी अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि जी पाकिस्तान को वीज़े ही नहीं मिल रहे और जाना मुश्किल है, तो यार ये थोड़ा सा अनफेयर है एज अ क्रिकेट फैन। ऑल दो हमारी टीम का जो उन्होंने कहा है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें मज़ा आता है। जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था तो उसके अंदर आपने क्राउड देखा था कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान स्टेडियम में बैठे हैं। यार समझ नहीं आ रही, आज टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा वार्म अप तो हो गया हूँ, मज़ा आएगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हाँ पाकिस्तान की ऑफिशियल जर्सी के अंदर सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, ग्राउंड में नहीं है पर जहाँ जहाँ पे भी है पूरे पाकिस्तान में, मुझे पता है हर पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, होप फॉर द बेस्ट। फ्रेश होते हैं और उसके बाद मिलते हैं, चले सुनाए। दिन दिन पाकिस्तान दादा हकीदान, दिन दिन हकीदान दा, ऊंची ऊंची पढ़ो। और आशा मान एक सीधा जाना कहा, हाँ आती रही देखा पाकिस्तान, दिन दिन इस तरह की एनर्जी चाहिए हमें, ऐसे फैंस चाहिए। तो इंशाल्लाह आज मैच के बाद जीतने के बाद और बहुत सारे शुगर लगाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ और अगर आप यार ये देखो यार सिर्फ और सिर्फ चल ये रहे, यानी कि कोई और यार कोई एक ही झंडा लेके आ जाए, कुछ कोई तो लेके आ जाए यार, पाकिस्तान कहीं से तो नज़र आ जाए। भैया रेडी हो रहे हैं हम, ये जान बनाने के लिए हम ज़रा कॉफ़ी और अंडे ज़रा खा रहे हैं ताकि फ्रेश हो जाएं साथ साथ। यार क्या माहौल है यार, तो मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। चलो जी भाईजान, टॉस का टाइम हो चुका है, नाले कस लिए हैं, पेट कस रहे हैं, सारा कुछ कस रहे हैं, तो टॉस का टाइम हो चुका है। कौन टॉस जीतेगा भाई? अब्दुल रहमान बता, पाकिस्तान क्या करेगा, बैटिंग बॉलिंग? बॉलिंग पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान जीत के बॉलिंग करेगा, टॉस पाकिस्तान जीतेगा, तुम ये कह रहे हो, और आप पाकिस्तान जीतेगा बॉलिंग करेगा, ठीक है। लेकिन जो जीतेगा वो फील्डिंग करेगा, जो टॉस जीतेगा मैं कह रहा हूं फील्डिंग करेगा। और इंडिया विन द टॉस, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, कैसा लग रहा है? लग गए
पहली सी लग गए यार, क्या मतलब यार पाकिस्तान है ना चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ही पहले इन्होंने बैटिंग की थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गए हम अभी सी लग गए, चेजिंग भी अच्छी कर रहा है, चेजिंग भी अच्छी कर रहा है, श्रीलंका का मैच हमने देखी, लेकिन अभी पहले बैटिंग है हमारी। अगर पाकिस्तान आज अभी कितना आप कहते हो कि पाकिस्तान इतना टारगेट दे तो वो डिफेंड कर पाकिस्तान 320 तक देगा तो मैं, क्योंकि प्रेशर गेम है, रोहित शर्मा को डर लग रहा है, किसको, रोहित शर्मा को, अच्छा अब्दुल रहमान ने प्रेडिक्ट किया आज इंडिया जीतेगा, यार तुम्हारे पैसे लगे हैं यार, असल में इसने टीकेआर पे खाना खाना है, इस वजह से टीकेआर पे खाना खाना है भाई, इसने लोगों से शर्त लगाई हुई है कि आज इंडिया जीतेगा, यार सट्टे खेलते हो खाने के पीछे, खाने के पीछे तुम सट्टे खेलते हो, पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर सकते, और अब होगा पड़ोसियों का एंथम, मजा आ गया भाई, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आई, माहौल बना हुआ है, अभी पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई है भाई, ग्राउंड में से ब्लू ही नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें वीजा ही कोई नहीं दिया, ठीक है जी, हमारे साथ ये फरूख भाई आ गए हैं जी, कौन जीत रहे हैं आज भाई, इंशाल्लाह पाकिस्तान, तो मजा आ रहा है, हम लाइव भी हैं साथ साथ और हम साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। हाँ भाइयों, पाकिस्तान के 2 आउट हो गए हैं, कितने पर, 73 और ये भाई कह रहे थे हार्दिक पांड्या को, अच्छा यार ये सारे मुकर गए हैं भाई, ठीक है, और हार्दिक पांड्या ने आउट कर दिया तो अब ये तरीफे कर रहे हैं, 20 ओवर हो गए, कितना स्कोर हो गया, 103 पे 10 आउट हो गए हमारे, फिलहाल 20 ओवरों पे 103 for 2, दुआ है कि थोड़ा से हम डीप मैच को लेके जाएं और हम अच्छा स्कोर करें, पहले सिचुएशन के लिहाज से कौन जीतेगा, अब तो खत्म हो गया ना, 2012 में उसने बोल्ड किया यार, सिचुएशन के लिहाज से कौन जीतेगा, पाकिस्तान, इंडिया, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अच्छा क्या क्या, हाँ, ये इंडिया, पाकिस्तान बोलता तो इंडिया, अच्छा, इंडिया जीतेगा, ठीक है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, यार मैंने इंशाल्लाह नहीं बोला, दिल पाकिस्तान के साथ है, दिल पाकिस्तान के साथ अगर जीतेगा तो हम सारे बड़े जबरदस्त किस्म से इंशाल्लाह इसको सेलिब्रेट करेंगे, वरना हमारे पास तुम जीतो यार, तो है भैयान मैच सनसनी खेज, ओ शुक्र मोटे ना, चलो भाई बाबर आगे है, बताओ भाई इस बारी बॉल पे बाबर की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी भाई, कितने ना हो जाएगी, आराम से करेंगे, बताओ भाई बाबर की इस बॉल में छुट्टी होगी कि नहीं, चौका मार रहा है बाबर, 46 में खेल रहा है, पीछे का चौका, डॉट बॉल, पीछे का चौका मुझे लग रहा है चौका है, मुझे लग रहा है चौका है, क्या करते हैं, चौका, ये 50 हो गया, चौका, ओ भाई कोई रिप्ले नहीं कर सकता, पाकिस्तान के 29 ओवर्स में 54 हो चुके हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है।
भाइयों एक और बिग मूवमेंट, अगर दो लाइव हम है लेकिन येलो पे नहीं होता। और मेरे ख्याल से एम्पायर ने जो फैसला दिया ना वो बैट का दिया, प्लेट का दिया। आउट हो चुके हैं तो बहुत बड़ी एक और बहुत बड़ी यही अभी आप बोल रहे थे ना, मैंने यही कहा था ना करें ना बोले भाई, कोई ना बोले यार। ले रहा है नोट किया चारों पे, बात की है और चारों पे आउट है यार। देखो ना अब किस चीज की हिटिंग हिटिंग करनी चाहिए? शादाब को हिटिंग के लिए शादाब को आना चाहिए। नवाज को आना चाहिए, परेशानी थोड़ी सी होगी है लेकिन पाकिस्तान ने 192 का टारगेट दिया है, ठीक है। 155 से 192 का सफ़र पता नहीं कैसा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। और आज टीम पाकिस्तान की आउट हो गई है। नहीं बॉलिंग करेगा जाएंगे यार, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, देखी जाएगी यार। इसमें कौन सी ऐसी बात है, हार जीत होती है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्टिल यार अफसोस हुआ, अफसोस हो गया। और चलो जी मिलते हैं फिर, हालात बुरे हैं। 192 का टारगेट है 50 ओवर्स में। हमारे पास गाना तो है भाई, भाई हम नहीं मौका नहीं भाई, वो तो इंडिया गा रहा होगा ना हमारे पास में क्या तुम जीतो यार है क्या भाई हमारे पास गाना, हमारे पास गाना है भाई, हम अपना कर लेंगे साफ साफ जैसे हमें करना है। इंडिया आते साथ ही हमें कुट रहा है और ये हमारे प्लेयर्स की हालत हो गई है। ये हमारे प्लेयर्स देख लें, इंडिया ने आते साथ ही हमें कुटना शुरू कर दिया है। तो जो देखते हैं अब क्या बनता है, क्या होगा सर जी बताने की हालत में नहीं है यार। गिल आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। डेंगी आउट गया, डेंगी मैन गया, आउट हो गया, डेंगी मैन गया भाई, डेंगी मैन गया, डेंगी मैन भाई। हमने एक विकेट ले लिया, आउट हो गया भाई। मुझे पता है उन्होंने भाई कैच को अच्छा पकड़ लिया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है कैच, उन्होंने किन्होंने पाकिस्तान की टीम भाई कैच की खुशी में आ गया खाना खपा आ गया हमारा खपा चेंगी गया। तो दर्शकों क्या कहते हैं दर्शकों की ये हालत हुई पड़ी है कि वो हम अंधेरे में सारे लेट चुके हैं, मायूस हो गए। इंडिया के कितने स्कोर हो गए हैं? 111 नेल्सन 111 और कितने 15 ओवरों में, उनको सिर्फ 35 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 35 बॉल्स स्कोर किए। गलती से उन्होंने ओवर्स मैं भैया अच्छी सी बात है आउट क्लास कर दी इन्होंने आज भाई, बिल्कुल ही आउट क्लास हो गए। वैसे ये यार हमें समझ नहीं आ रही, वो पहले खेलते हैं तो 350 मार जाते हैं, हमें 228 हारते हैं, बाद में खेलते हैं तो इस तरह मारते हैं कि बस। वेरी बैड भाई, वेरी बैड। सारे के सारे कोने खुदों में जाके लेटे हुए हैं, समझ नहीं आ रही उनको खुद भी। सिर्फ 126 बॉलों में 10 स्कोर रहते हैं इंडिया को जीतने के लिए, मुश्किल हो सकता है जी। अब्दुलरहमान क्या कहते हैं आप, कैसा खेला इंडिया ने? कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो पहले ही कह रहा था भाई इंडिया जीतेगा। अच्छा तो यार और रोहित शर्मा ने जी सर कुछ आवाज नहीं जी भाई, गले में कुछ चला गया, बस हालात थोड़े से डाउन हुए हैं। बस पाकिस्तान की बैटिंग के बाद ना सर जज्बा डाउन हो गया था, तो लेकिन हमारे लिए जज्बे को दोबारा तरोताजा करने के लिए हम सबके पास एक गाना है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार हमने पता क्यों नहीं रहा इनको, हाँ जी वरना इन्होंने आग लगा दी थी स्टेडियम में। अच्छा इसलिए नहीं रहा। तो भैयान हम सब के ना अभी जोर से जज्बात है ना, वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, हालात बदल गए, बदल गए हैं बस, जज्बात सब कुछ बदल गया।
और फिफ्थ टीम मुकामल शेरवास आईआर की भाई यार ये सैयद ने भाई चौका मार के मैच खत्म मेनू गोपाल कर दिया खत्म हो गया एक 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 बॉल पड़ी है नहीं एक बॉल नहीं पड़ी लास्ट लम्हात पाकिस्तानी यार वैसे एक बात सीधी सी बात है यार ये ज्यादती है इतने बड़े ग्राउंड में सिर्फ 11 या 12 पाकिस्तानी प्लेयर बांध के और जकाश अशरफ और जकाश अशरफ और इंडिया जीत गया भाई इंडिया जीत गया अभी तो अपने कार्टून नेटवर्क भी देखना है लेट्स हार्ड लक चलो भाई आप बहुत अच्छा खेले आज एंड यू डिजर्व द विन फाइनल कमेंट्स भाई भाई मुझे तो पता था इंडिया जीत फाइनल कमेंट्स सर बड़ा खुश है पाकिस्तान की प्रेडिक्शन सही थी दिल छोटा हो रहा है पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी थे जो कि बड़े जोश में स्टार्ट किया था वो थोड़े से डाउन हो गए हैं तो देखते हैं अब क्या होता है भाई शर्ट उतारने लगे हैं देश की शर्ट पहना दी है ओहो चलो जी लेट्स बाय बाय।